2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की 31 अगस्त से दो दिन की तीसरी बैठक होनी है। 1 सितंबर तक चलने वाली ये बैठक मुंबई में होगी। बैठक का एजेंडा लगभग तय हो गया है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में झंडा भी तय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि गठबंधन ने देश भर में 450 लोकसभा सीटों की पहचान की है, जहां सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 दल साथ आए हैं। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इसी बैठक में गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। अब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के एजेंडे में गठबंधन का एक झंडा तय करना भी शामिल है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। हालांकि राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। बैठक में अशोक चक्र को हटाकर तिरंगे को भी इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि आखिरी फैसला बैठक में ही किया जाएगा। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर महीने से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी। इन रैलियों में 6 से 7 प्रमुख नेता विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। रैलियों और प्रचार के दौरान गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत तौर पर हमले नहीं करेंगे, बल्कि सरकार बीजेपी की नीतियों, जातिगत गणना, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य सामाजिक मसलों पर घेरेंगे। इसके अलावा प्रस्ताव के मुताबिक गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, इसमें एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा और इसके अलावा 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहीं उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य को छोड़कर गठबंधन ने देश भर से 450 सीटों की पहचान की है, जहां पर गठबंधन का ही उम्मीदवार उतारा जाएगा और इन सीटों पर एक ही उम्मीदवार होगा। ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ओर से बड़ी पार्टी अभी तक गठबंधन में शामिल नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती को भी न्योता भेजा गया है। हालांकि मायावती की ओर से उत्तर प्रदेश की 80 में से 40 सीटों की मांग की गई है। इस मांग को लेकर के भी मुंबई बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ अन्य छोटे दलों को भी कुनबे में शामिल करने पर चर्चा हो सकती है। मुंबई में इंडिया की बैठक होने वाली है और इस बैठक से पहले बांद्रा और माहिम इलाके में महाविकास की तरफ से एक बड़ा बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। 31 और 1 तारीख होने वाली इंडिया की इस बैठक में देश भर से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नेता आने वाले हैं। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक का इस तरह का बैनर मुंबई के अलग अलग इलाकों में भी लगाया गया है। बता दें कि इस गठबंधन में अब तक 26 दल शामिल हैं, वहीं आगे भी कई क्षेत्रीय या फिर छोटे दलों के शामिल होने की संभावना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।